महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के दिन मुश्किलों वाले खत्म नहीं हो रहे। हर रोज हर घंटे मुश्किलें बढ़ रही हैं। ईडी की रिमांड खत्म हुई तो मलिक को उम्मीद थी कि कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन इस बार तो जेल भेज दिया गया और 7 मार्च की देर शाम नवाब मलिक को आर्थर रोड जेल में शिफ्ट भी कर दिया गया। अब पहले ही दिन जेल में नवाब मलिक की हालत बिगड़ गई, खराब हो गई। जी हाँ, पहले ही रात काटनी मुश्किल हो गई। हालात जेल में नर्क जैसे ही होते हैं और ऐसा ही कुछ नवाब मलिक के लिए भी हुआ। आसपास खूंखार कैदियों का साथ, लाइन में लगकर खाना, फर्श पर सोना और भी बहुत कुछ, और पूरी पहली रात बेचैनी और बेबसी में ही कटी। तो कैसी रही नवाब मलिक की जेल में पहली रात और कैसे कट रहे हैं दिन और अब अगले 14 दिन कैसे बीतेंगे, वो सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो नवाब मलिक को फाइनली जेल भी भेज दिया गया है। आर्थर रोड जेल में नवाब मलिक को शिफ्ट किया गया। हालांकि मुंबई की इस जेल में विचाराधीन कैदी और सजा याफ्ता कैदियों के लिए अलग अलग बैरक हैं, इसीलिए मलिक को विचाराधीन वाली बैरक में रखा गया है। नवाब मलिक को अभी अपने सामान यानी कि घर के कपड़े पहनने की छूट दी गई है। साथ ही उन्हें अभी परमानेंट कैदी नंबर भी अलॉट नहीं किया गया है और दवा के लिए भी उन्हें छूट दी गई है। यानी कि अगर कुछ राहत कह सकते हैं तो सिर्फ इतनी भर कहेंगी। बाकी आफतों का तो अंबार है जो आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं। 7 मार्च की देर शाम करीब 5 बजे नवाब मलिक को आर्थर रोड जेल में शिफ्ट किया गया। सबसे पहले नवाब मलिक का मेडिकल चेकअप किया गया ताकि सब कुछ ठीक ठाक हो और चेकअप के बाद उन्हें जेल के अंदर लिया गया। अब नवाब मलिक को विचाराधीन कैदी वाली बैरक दी गई, लेकिन आसपास की बैरक में सजा याफ्ता कैदी भी हैं, जिसमें कई खूंखार कैदी शामिल हैं। यानी कि आसपास खूंखार कैदियों का पूरा साथ है, उनकी आवाजें आसपास मौजूद हैं। नवाब मलिक को जेल के मैनुअल के ही मुताबिक एक कंबल, तकिया और कुछ बर्तन दिए गए हैं। नवाब मलिक के साथ पूरी तरह से सामान्य कैदी की तरह ही बिहेव किया जा रहा है। कोई भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट उन्हें जेल के अंदर नहीं दिया जा रहा है। जेल सूत्रों के मुताबिक जेल में आने के बाद नवाब मलिक चुपचाप ही बैठे रहे और उन्होंने किसी से बात नहीं की, रात का खाना भी नहीं खाया। अब असली मुश्किल रात की ही थी जो सबसे भारी पड़ने वाली थी। नवाब मलिक को ईडी की रिमांड में फिर भी ठीक ठाक व्यवस्था मिल रही थी क्योंकि वहां वकील का एक्सेस था, घर का खाना खा सकते थे, दवा तो ले ही सकते थे और सबसे बड़ी बात बेड भी जेल से बेहतर था। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि पत्थर का फर्श था और सिर्फ एक कंबल साथ में मौजूद था और एक तकिया। यानी कि हालात पूरी तरह से खराब थे। अब जेल सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक की रात काटे नहीं कट रही थी, उन्हें चैन नहीं आ रहा था। वो लगातार बेचैनी में इधर से उधर घूम रहे थे क्योंकि नवाब मलिक को अंदाजा भी नहीं होगा कि उसी मुंबई के आर्थर रोड जेल में उन्हें जाना पड़ेगा जिस मुंबई में उनका सिक्का चलता है, राज चलता है। लेकिन सच तो यही है और नवाब मलिक जेल के अंदर ही हैं। आगे देखिए, जेल सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक रात भर परेशान होते रहे, बिस्तर पर बेहद कम ही बैठे रहे, कभी बैठ जाते, कभी उठ जाते, कभी चलने लगते, क्योंकि उन्हें चैन आ नहीं रहा था और यकीन हो नहीं रहा था कि वो जेल के अंदर हैं। अब जेल सूत्रों के मुताबिक उनके चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। जी हाँ, भले ही बाहर मीडिया के सामने नवाब मलिक हाथ ऊपर उठाकर इशारे कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जेल के अंदर उनके चेहरे पर बेबसी, बेचैनी साफ साफ झलक रही थी। पूरी रात नवाब मलिक के इंतजार में कटी, कब सुबह हो, कब सुबह के 6 बजे, क्योंकि सुबह के 6 बजे से ही जेल में सामान्य हलचल शुरू होती है, सामान्य दिन शुरू होता है। लेकिन मलिक के लिए दिन कहां सामान्य शुरू हो पाता, जेल में तो हर दिन एक जैसा ही होने वाला है। यानी कि नवाब मलिक की जेल में पहली रात पूरी तरह से बेचैन रात रही, उनकी हालत बेहद ही खराब रही। अब कंडीशन यह है कि आगे हालात और भी खराब हो सकते हैं क्योंकि अभी तो पूरे 14 दिन जेल में रहना है। आर्थर रोड जेल में रहना बेहद मुश्किलों भरा होने वाला है। अब यहाँ पर समझिए कि नवाब मलिक को जेल की ड्रेस और कैदी नंबर तो नहीं दिया गया है, लेकिन उन्हें टेम्पररी कैदी नंबर जरूर मिलेगा जो उन्हें कुछ वक्त बाद दिया जाएगा। नवाब मलिक घर से सिर्फ 4500 रुपए मंगा सकते हैं और वो भी मनी ऑर्डर के जरिए, और पूरे महीने इसी 4500 में काम चलाना होगा। इन 4500 रुपयों से नवाब मलिक जेल की कैंटीन से खाना मंगा सकते हैं, पानी मंगा सकते हैं और भी जो सामान कैंटीन में उपलब्ध है उसे मंगा सकते हैं। अब एक वक्त का खाना ही हजारों रुपयों का खाने वाले नवाब मलिक के लिए हर महीने 4500 से कैसे गुजारा होगा, ये बेहद मुश्किल है क्योंकि जेल का खाना नवाब मलिक खाएंगे इसकी संभावना बेहद कम ही है क्योंकि उनको स्वास्थ्य संबंधी भी कई समस्याएं हैं।
हालांकि जेल में कैदियों के लिए डॉक्टर की भी व्यवस्था होती है, लेकिन वो सिर्फ सामान्य बीमारियां ही देख पाते हैं। और जेल के अंदर जो खाना बनता है वो सामान्य कैदियों के लिए हर तरह से बनता है, और इसीलिए नवाब मलिक के स्वास्थ्य को देखते हुए ये खाना उनके लिए मुश्किलें और बढ़ा सकता है। आगे देखिए नवाब मलिक के बैरक में अन्य कितने लोग रखे गए हैं, ये तो अभी साफ साफ पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना जरूर है कि जेल में जो भी बैरक है उनमें बैरक के अंदर ही वॉशरूम होता है और हर वक्त उसकी बदबू से हालत खराब ही रहती है। यानी कि नवाब मलिक को भी अब उसी हालत में रहना है, अगले 14 दिन और रातें भी उसी हालत में उसी बदबू के बीच में काटनी है। तो कुल मिलाकर पहले दिन पहली ही रात नवाब मलिक की हालत खराब हो गई। रात काटे नहीं कट रही है, खाना खाया नहीं गया, फर्श पर सोए नहीं, और अगले 14 दिन तो और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं, जिसकी वानगी हमने आपको बता दी। और अगर जेल मैनुअल में थोड़ी सी भी सख्ती होती है, अगर नवाब मलिक को कोर्ट की तरफ से घर का खाना या फिर कोई और राहत नहीं मिलती है, तो हालात उनके लिए और खराब हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या अब नवाब मलिक को ज्यादा परेशान किया जा रहा है या फिर ये तो सजा की शुरुआत है, अभी तो लंबी सजा काटनी बाकी है? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो नवाब मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। 25 फरवरी को नवाब मलिक को अस्पताल ले जाया गया। मलिक को पेट में दर्द की शिकायत बढ़ गई थी और अचानक उन्हें जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 4 दिन तक नवाब मलिक का इलाज हुआ और 28 फरवरी की सुबह सुबह खबर आई कि नवाब मलिक अब ठीक हैं और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी लंबा वक्त लग गया और दोपहर बाद ही नवाब मलिक डिस्चार्ज हो पाए। अब ईडी तो पहले से ही तैयार बैठी थी और ईडी से इंतजार नहीं हो रहा था, क्योंकि ईडी के पास सिर्फ 3 मार्च तक की रिमांड फिलहाल है। लिहाजा जैसे ही नवाब मलिक जेजे अस्पताल से डिस्चार्ज हुए तो ईडी ने भी तुरंत एक्शन शुरू कर दिया और फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद नवाब मलिक को लेकर मलाड स्थित अपने ऑफिस पहुंच गए और वहीं पर बनाए गए लॉकअप में एक बार फिर से नवाब मलिक को रख दिया गया। अब शायद नवाब मलिक को लगा होगा कि आज ही अस्पताल से छुट्टी मिली है या फिर आज देर हो गई है तो पूछताछ नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जी हाँ, देर शाम को ही नवाब मलिक से पूछताछ एक बार फिर से शुरू हो गई। हालांकि कोर्ट की तरफ से परमिशन मिली है कि पूछताछ के दौरान नवाब मलिक के वकील भी उनके साथ रह सकते हैं, इसीलिए सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद सोमवार की शाम को ही पूछताछ शुरू हो गई। अब हालात ये थे कि नवाब मलिक इसके लिए तैयार नहीं थे। जी हाँ, अभी अभी अस्पताल से आए नवाब मलिक आराम करना चाहते थे, रेस्ट करना चाहते थे, मगर ईडी ने नवाब मलिक की बीमारी पर कोई रहम नहीं दिखाया और पूछताछ की टेबल पर उन्हें ले गए। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस बार भी नवाब मलिक ने सवालों का संतोषजनक जवाब दिया ही नहीं। पहले भी ईडी ने आरोप लगाया था कि नवाब मलिक पूछताछ में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, और ये बात ईडी ने कोर्ट को भी बताई थी, और यही सब कुछ अभी भी चल रहा था। यानी कि इस बार भी नवाब मलिक ने ईडी के सवालों के जवाब दिए ही नहीं। हालात ये थे कि समय बीतता गया, शाम से देर शाम और फिर रात भी हो गई, लेकिन न तो ईडी पीछे हटी और न ही नवाब मलिक। ईडी के सवाल जवाबों का सिलसिला चलता रहा और नवाब मलिक भी अपने ही अंदाज में सवालों को टालते रहे। हालात ये थे कि नवाब मलिक ने खुद को आराम करने की जरूरत बता दी, लेकिन ईडी अधिकारी पूछताछ जारी रख रहे थे। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक रात होने के बाद भी पूछताछ रोकी नहीं गई, पूछताछ जारी